हरे कृष्णा। तो कई दिनों से मेरे पास एक प्रश्न आ रहा था कि इस लॉकडाउन में क्या करें और इस लॉकडाउन के विषय में आप कुछ बताइए। तो आइए सबसे पहले आज हम ये जानते हैं कि ये लॉकडाउन हुआ क्यों है। तो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये लॉकडाउन हुआ है। और ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है जी? ये कोरोना वायरस आया है चीन के वुहान मीट मार्केट से, जहाँ पे बहुत प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स के मांस की बिक्री की जाती है, यहाँ तक कि इंसानों के भी मांस की बिक्री की जाती है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में कहना है और ऐसा विज्ञान का भी मानना है कि जब अलग अलग जानवर के मांस एक दूसरे से मिलेंगे या फिर मनुष्य के मांस के साथ वो मिलेंगे तो एक महामारी उत्पन्न होगी। देखा जाए तो ये वही महामारी है, देखा जाए तो एक प्रकार से एक पनिशमेंट है, क्योंकि क्योंकि हम भगवान के बनाए हुए प्रकृति के प्रति दया नहीं दिखा रहे थे, उल्टा क्रुएलिटी से, निर्दयता से हम प्रकृति को जो है नुकसान नहीं कर रहे थे, काट रहे थे, मार रहे थे, जिससे रिटर्न में हमें प्रकृति ने कोरोना वायरस दिया है, जिसके वजह से आज पूरा विश्व परेशान है। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद कहते हैं कि इस दुनिया में आप लाखों विश्व शांति हेतु यज्ञ कर लो या फिर नारे लगा लो, जब तक इस दुनिया में इस धरती पर गाय का एक बूंद खून भी गिरेगा इस दुनिया में इस धरती पर, तब तक शांति नहीं आ सकती। हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्य इस ग्रेष श्री लाल गोविंद प्रभु जी कहते हैं कि जब तक हम प्रकृति के प्रति करुणा नहीं दिखाएंगे, प्रकृति जो है हमें कोरोना जैसे वायरस देती रहेगी। तो ये कोरोना आई है क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ किया, प्रकृति के प्रति करुणा नहीं दिखाई। तो ये जो है आज क्वेश्चन अराइज हुआ है, आज ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि व्हाट वी शुड डू ड्यूरिंग द कोरोना वायरस लॉकडाउन। यदि देखा जाए तो इसमें सबसे बेस्ट कार्य करने के लिए यदि कोई है इस लॉकडाउन में, देखिए आप लॉकडाउन में बाहर नहीं जाते, यू कांट गो आउटसाइड इन दिस लॉकडाउन, सो बेटर जस्ट गो इनसाइड ऑफ योर सेल्फ। अब ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर जाइए, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है ये। ये सोचिए हमने ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में अपने जीव के थोड़े से स्वाद के लिए कितने करोड़ों को जीवों को मार दिया, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज हमने बहुत सारे लोगों को जो है मार दिया, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो अभी प्रकृति ने हमें समय दिया है और इस समय का सदुपयोग कीजिए और अपने जीवन को जीने का तरीका सीखिए। और यदि आपको जाना है कि जीवन को कैसे जीना है, कैसे सिस्टमेटिक जीवन को जीना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है गीता, जहाँ से आप सीख सकते हैं। आज से आप अभी गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ का यूजर मैनुअल है। जैसे हम एक फ्रीज लेते हैं, एक टीवी लेते हैं, तो उस टीवी और फ्रीज के साथ एक छोटी सी बुक दी जाती है, जिसे उस टीवी और फ्रीज का हम यूजर मैनुअल कहते हैं। और जैसे हम बिना उस यूजर मैनुअल को पढ़े हुए टीवी और फ्रीज को यूज करते हैं, वो टीवी और फ्रीज जो है वो बिगड़ जाती है। वैसे ही जब हमें भगवान ने हमारा ये जीवन बनाया तो उसके साथ हमारा एक यूजर मैनुअल बनाया, और वो है श्रीमद् भगवत गीता। और ध्यान रहे, ये जो है किसी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ध्यान रखे इस बात का। ये जो है किसी धर्म, एक धर्म के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल ह्यूमन बींग। श्री कृष्ण ने पूरे गीता के अंदर कहीं नहीं कहा कि ये हिंदुओं के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है, या फिर ये भारतीयों के लिए है, अमेरिकन के लिए नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बिल्कुल ये शब्द के सबके लिए है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार एक शब्द उपयोग करते हैं, वो है सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, ये समस्त जीवों के लिए। तो आप जो है ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग समझ सके कि गीता जो है सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, और सबको पढ़ना चाहिए। इसे पढ़कर आप अपने जीवन को जीने का तरीका सीख सकते हैं।
तो आप टीवी और फ्रिज यूजर मैनुअल, टीवी और फ्रिज का जैसे यूजर मैनुअल होता है और बिना यूजर मैनुअल पढ़े हुए टीवी फ्रिज यूज करते हैं वो टीवी और फ्रिज जो है बिगड़ जाता है, वैसे ही हमारे लाइफ का यूजर मैनुअल है श्रीमद् भगवद गीता। हमने बिना श्रीमद् भगवद गीता पढ़े हुए अपने लाइफ को जिया, इसलिए आज हमारा लाइफ जो है बिगड़ गया है और इस बिगड़े हुए जिंदगी में कोरोना नाम की बीमारी पैदा हो गई है। हमने इसे गलत तरीके से जिया, सिस्टम खराब हो गई है। सुधारिए, समय है, रिकवर करिए। जैसे कंप्यूटर में एक बटन होता है रीसेट बटन, जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, वर्क नहीं करता है, तो उस कंप्यूटर को क्या करते हैं, रीसेट बटन दबाते हैं। प्रकृति ने अभी रीसेट बटन दबाई है, अपनी ध्यान रहे और इस दरमियान अपने आप को आप रिकवर कर लीजिए, अपने आप को रीसेट कर लीजिए। अभी समय मिला है, ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द गीता उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं है गीता आपके पास, मोबाइल में जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज पीडीएफ डाउनलोड, आपको श्रीमद् भगवद गीता का लिंक हो जाएगा। नहीं मिल रहा है, आप हमें कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, हम आपको देंगे लिंक देंगे। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, एक बार, दो बार, चार बार, जितना बार पढ़ सके पढ़िए और अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर इस लॉकडाउन में झांकिए, अपने परिवार से, अपने बच्चों से बात कीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपने मन को ठीक कीजिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाइए। तो इस कोरोना वायरस के बहुत सारे नुकसान भी है जैसे दैनिक और आर्थिक जीवन पे पड़ रहे हैं, लेकिन इसके कुछ कुछ फायदे भी हैं हमारे जीवन में। दूसरा पहलू देखा जाए तो इस कोरोना वायरस से काफ़ी फायदा हो रहा है हमारे प्रकृति को। देखिए, नदियाँ साफ हो रही है, हवा साफ हो रहे हैं। आज जलंधर से डायरेक्ट हिमाचल की पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, क्यों? क्योंकि हवा में पॉल्यूशन नहीं है, धूल नहीं है। अभी पशुओं को मारा जाता था पहले, भी देखिए वो कम हो गया है, लोग ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन हो रहे हैं, पशु पक्षी खुल कर चैन की सांस ले रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में जिनकी सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नाचा करती थी, आज वहां मोर नाच रहे हैं। अब बताइए कितनी खुशी की बात है। देखिए, गंगा नदी का सुन रहा हूं मैं, जल पवित्र हो रहा है, प्योर हो रहा है, यमुना नदी का जल पवित्र हो रहा है, कितना कितना अच्छा है बात है ये प्रकृति के लिए। तो इसका जो पॉजिटिव पहलू है उसके अंदर जाइए, आप उसका आनंद उठाइए, प्रकृति ने आपको समय दी है उसका यूज कीजिए। ज्यादा से ज्यादा भगवद गीता पढ़िए, अपने जीवन के यूजर मैनुअल को पढ़िए, झूठ के अफवाहों से बचिए और अपने घर पे सेफली रहिए। आपका समय पता भी नहीं चलेगा कब पार हो गया। तब तक के लिए हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दैट रूपानुगदास.rgm। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।